हिमाचल प्रदेश के युवक का पानीपत में हुआ अपहरण, बस स्टैंड पर बंधक बनाकर पीटा, डायल 112 ने आकर छुड़वाया। एक्सीडेंट करने के शक में टोल प्लाजा के पास कार सवार चार बदमाशों ने हिमाचल प्रदेश के पिकअप ड्राइवर उसके साथी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपनी गाड़ी में डालकर बस स्टैंड के अंदर बाइक पार्किंग के पास बने कमरे में लाकर बंधक बना लिया। 3 घंटे तक लगातार मारपीट करते रहे। नशे में धुत होने के बाद आरोपी सो गए, जिसका फायदा उठाकर घायल ने फोन से 112 डायल पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें सामान्य अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के गांव मलकू माचरा निवासी सतबीर ने बताया कि उसने 1 माह पहले पिकअप खरीदी जिसको वह खुद चलाता है। 2 सितंबर की रात को वह दिल्ली से फर्नीचर का सामान लेकर दिल्ली से बद्दी के लिए जा रहा था। रात करीब 1 बजे टोल प्लाजा पानीपत पार करने के बाद स्विफ्ट गाड़ी एकदम आगे आकर रुकी। उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारा और मारपीट करने लगे। उसका साथी सौरभ गाड़ी में सो रहा था। आवाज़ सुनकर सौरभ उठा और आरोपियों से कारण पूछने लगा तो आरोपियों ने कहा कि उनकी गाड़ी ने फ्लाईओवर के नीचे एक्सीडेंट किया है, जबकि सौरभ ने कहा कि वह फ्लाईओवर के नीचे से नहीं बल्कि ऊपर आए हैं। इतना कहते ही चारों युवकों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित सतबीर ने बताया कि बदमाशों ने उन दोनों को गाड़ी में अपहरण कर लिया। उनकी गाड़ी को आरोपियों का एक साथी पीछे पीछे लेकर आने लगा। आरोपी उन्हें पानीपत बस स्टैंड के अंदर मोटरसाइकिल वाली पार्किंग के पास रोक दिया, जहां पर उन्हें एक कमरे में उन दोनों को बंधक बना लिया और उनके फ़ोन छीनकर स्विच ऑफ कर दिए। उनके साथ मारपीट करने लगे, नशा करते और फिर आकर मारपीट करते। नशे में धुत होने के बाद डायल 112 ने कॉल की, पुलिस ने आकर छुड़ाया। पीड़ित सतबीर ने बताया कि आरोपी सुबह करीब 5 बजे तक नशे में धुत हो चुके थे। उन्होंने मौका पाकर फोन से डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के चंगुल से उन्हें छुड़ाया। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोप है कि आरोपियों ने उनकी गाड़ी से 19,500 रुपये भी निकाल लिए। घायल युवक की शिकायत पर मारपीट अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।